बबीता जी, बबीता जी। लगता है हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड है। बबीता जी, बबीता जी। ओ, बहुत फास्ट दौड़ रहे। दौड़ के तो पकड़ नहीं पाऊंगा। आड़ा उतरता हूँ। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी, मैं तो डर गई। अरे मैंने आपको कितनी आवाज दी, आप उधर हो दौड़ रहे थे ना, उधर भी मैंने बहुत आपको आवाज दी, लेकिन मुझे लगता है आपका वो हेडफोन का वॉल्यूम बहुत लाउड होगा इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। बहुत दौड़ रहे आजकल आप यहाँ जॉगिंग। अरे आप ही कहते हैं ना कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। एग्जैक्टली, हम अपने शरीर का जितना ध्यान रखेंगे हमारा शरीर हमारा उतना ही ध्यान रखेगा। वाह 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 बबीता जी, आप जब ये ऐसी सयानी सयानी बातें करते हैं ना तो ये कहने का मन होता है कि आप सुंदर लेडीज नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब है आप सिर्फ सुंदर लेडीज नहीं है, आप जोरदार दिमाग के धनी भी है। थैंक यू। वो कहते हैं ना बूटी विद ब्रांड। It's called beauty with brain. Sorry, wait. तो सिर्फ आज के दिन ही जॉगिंग की रोज आने वाले हो आप? नहीं, रोज। कल से तो मैं तो कहता हूँ हम दोनों साथ में जाएंगे कसरत करने। हम दोनों नहीं, तीनों। तीनों, तीसरा कौन? अय्यर। अरे हाँ, वो भी आते हैं ना आपके साथ। हाँ, वो है क्या, आज दिखाई नहीं दे रहे वो? अभी तो मेरे साथ ही जॉगिंग कर रहा था, होगा यहीं पे कहीं। गुड मॉर्निंग चाचा जी। कौन? अय्यर। हाँ अय्यर, आपने मेरे को पहचाना नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, मेरा चश्मा नहीं है ना इसलिए। क्या हुआ चश्मे को? अरे वो कल रात को जेठिया का पैर मेरे चश्मे पे पड़ गया तो चश्मा टूट गया। जय दलाल सब काम उल्टा ही करता है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, वो गलती से उसका पैर पड़ गया तो अभी क्या है ना चश्मा टूट गया है ना तो मुझे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मजबूरन जेठिया को मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। हाँ मजबूरी में ही आया होगा, वरना जयडालाल इतना सुबह उठ ही नहीं सकता है। जयडालाल किधर है? वो बबीता बेटी उसे दिखी थी तो उससे मिलने गए। चाचा जी मैं चलता है। ये सुबह के माहौल का जादू ही कुछ अलग होता है नहीं बबीता जी। ये चिड़ियों का चहचहाना, ताजी ताजी खुशनुमा हवा, सूरज दादा की हल्की हल्की किरणें, ये सब चीजें आपको प्रेरणा देती है कसरत करने की है? जो लोग सुबह उठ के कसरत नहीं करते ना उनको पता ही नहीं है बबीता जी के जिंदगी में वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। कुछ गलत कह रहा हूँ बबीता जी? नहीं बिल्कुल नहीं। In fact, you know what? I'm so glad कि आपको एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में इतनी समझ है, you know? क्या बाबी था तुमने? कि जय दलाल को एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस तो बहुत समझ में आता है? जोक नहीं अय्यर भाई, आपको जान के खुशी होगी आज से मैं भी बन गया हूँ वो क्या कहते हैं फिटनेस फकीर। जयदलाल उसको फिटनेस फकीर नहीं बोलते, फिटनेस फ्रिक बोलते हैं। अब वो जो भी है, मैंने आज से तय किया कि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे फिट व्यक्ति बनके दिखाऊंगा। एग्जैक्टली, इनफैक्ट वो मुझे अभी कह रही थी कि वो कल से रोज हमारे साथ एक्सरसाइज करने आने वाले है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जयदलाल कल से रोज एक्सरसाइज करने आओगे? हाँ। तो फिर आज क्या करने आए हो? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं यार भाई? अरे आज एक्सरसाइज करने ही आया हूँ मैं। क्या जयदलाल, अरे कितना झूठ बोल रहे हो। अरे अय्यर बबीता, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जयदलाल झूठ बोल रहा है, ये यहाँ पर एक्सरसाइज करने नहीं आया। कल रात को इसके हाथ से चाचा जी का चश्मा टूट गया, इसलिए चाचा जी को दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए चाचा जी अपना हेल्प के लिए आज जयदलाल को यहाँ पर लेकर आया है। ओह माय गॉड, चाचा जी का चश्मा टूट गया? हाँ वो तो दूसरा पैर तो होगा ना? दूसरा पैर? नहीं नहीं, बापू जी के दोनों पैर सलामत है और दोनों पैर से वो मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो उधर पीछे देखो,
मेरी हेल्प के बगैर एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखा ना यार भाई, मेरी हेल्प की उनको कोई जरूरत नहीं है और मैं आज यहाँ एक्सरसाइज करने ही आया हूँ। मेरे को मालूम है तुम एक्सरसाइज करने नहीं आया है, अभी मैं तुमको बराबर से एक्सरसाइज कराएगा। जनरल तुम एक्सरसाइज करने आया है ना, तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। चलो जॉगिंग करते हैं। चलो चलो चलो।